अच्छा, यहाँ पे कुछ अहम जोन आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं BTC के हवाले से, और कुछ ट्रिक्स भी शेयर करेंगे कि मार्केट के डायरेक्शन अगर डाउन साइड पे हो तो फिर हम मार्केट से प्रॉफिट किस तरह बुकिंग करेंगे, और इसमें प्रॉफिट बनने के मौके अगर हमें न मिले तो फिर क्या करना चाहिए। सेम इस तरह हम मार्केट के दो ट्रेंड, बुल ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, इससे हम किस तरह मुनाफा हासिल कर सकेंगे। ये BTC का ग्राफ है, अगर आप यहाँ पे देख लें करंटली, ये एक ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन है, एक ऊपर ये वाला, इसको इसके अंदर ये सफ़र कर रहा था, लेकिन लास्ट नाइट एक ज़बरदस्त पंप एंड डंप आई थी, तो इस साइड के जो लोकल लिक्विडिटी ये भी स्वीप हो चुकी है, और ऊपर साइड की लिक्विडिटी जो एक ज़बरदस्त पंप था यानी 53,000 तक, वो भी अकर हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा लिक्विडिटी, कल भी हमने इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, यहाँ पे लिक्विडेशन अवेलेबल थी, वो सारी स्वीप हो चुकी है। करंटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि RBTC एक डाउनफॉल करेगा, क्योंकि डाउन साइड पर जो लिक्विडिटी है, ब्लैक भी हम देखेंगे, उसको स्वीप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में इस ट्रेंड लाइन ने इसको सपोर्ट दे दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि RBTC अगेन अगर इस लाइन तक आए और इसको रिस्पेक्ट दे दिया तो कम से कम ये 52,000 तक दोबारा भी जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो पूरी ये ग्रीन लाइन 51,340 तक, या फिर इसको एक लोकल सपोर्ट मिल सकता है, फिर ये ट्रेंड लाइन इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ तक गिर सकता है 51,100 के रीजन तक, ये एक सपोर्ट होगी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह मार्केट जब डाउनफॉल की शिकार हो तो हम प्रॉफिट किस तरह बुक करेंगे, सबसे अहम चीज़ ये है। तो आप लोगों को पता है कि मार्केट में नॉर्मली दो तरह की फेजेस पे सफ़र करता है, एक मिसाल के तौर पर हम ड्रा करते हैं आप लोगों के लिए, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अच्छा, एक ट्रेंड तो ये है हायर, यानी हायर हाई बनाया हायर लो, ये ऊपर साइड की ट्रेंड होती है, ठीक है। इसके अगेंस्ट एक और ट्रेंड होती है डाउन साइड वाली, डाउन साइड में क्या होता है, इस तरह लोअर लो बनाती है, फिर लोअर हाई बनाते हैं, लोअर लो बनाते हैं, लोअर हाई बनाते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अच्छा, अगर अभी ये वाला सीन अगर हम देख लें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर BTC इस तरह डाउन सफ़र कर ले, मिसाल के तौर पर ये लोअर लोअर लो तो बन गया, लोअर हाई बन गया, अब दोबारा लोअर लो बन गया, अब यहाँ भी इस तरह लोअर हाई बन सकता है, यहाँ पे अब दोबारा लोअर लो बनेगा, इस तरह लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, ठीक है। तो हम किस तरह क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट जैसे ही आया हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर दी, ऊपर जाए मसला नहीं है। अब दोबारा हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए, हम दोबारा इसमें एंट्री लेंगे, चाहे BTC हो या अल्टरनेटिव कॉइन, लेकिन हमारी फोकस BTC पे होगी। यहाँ पे जैसे आए क्रैश आएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और क्विकली मार्केट से फिर इस जोन में फिर निकलने की कोशिश करेंगे। फिर दोबारा अगर मार्केट ने हमें मौका दे दिया, यहाँ पे एंट्री लेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे आस पास दोबारा नीचे डाउन। तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि हम मार्केट से दो तरह के प्रॉफिट ले सकते हैं, ऊपर जाए तो फिर यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेल, यहाँ पे खरीदार, यहाँ पे सेल, इस तरह। अच्छा, एक और चीज़ भी है मिसाल के तौर पर, और स्ट्रेटजीज भी है इंशाल्लाह, वो भी हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अब फ्यूचर ट्रेड वाले इस तरह भी कर सकते हैं कि यार यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर ले और यहाँ पे क्लोज़ करे, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ओपन करे, यहाँ पे क्लोज़ करते। लेकिन जो स्पॉट ट्रेडर है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसको ट्रेंड को फॉलो करे, ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको लॉस होगी, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड लेने की भी कोशिश ना करें, और जब ट्रेंड डाउन साइड पे हो तो हाईली रिस्की होता है, और जब ट्रेंड ऊपर साइड पे हो तो फिर भी गुंजाइश बनती है, लेकिन जब ट्रेंड जिस तरह डाउन साइड पे हो यहाँ पे और सारी चीज़ें हाई जोन पे अवेलेबल हो, तो फिर नॉर्मली हम रिकमेंड भी नहीं करते कि यार क्या करना चाहिए। हाई ब्लैक पे आखिर में रोशनी डालते हैं, यहाँ पे मैं हाई ब्लैक आप लोगों के सामने ओपन करने वाला हूँ। अच्छा, ये पुराना वाला है या आज वाला है, देखते हैं क्या सीन है, लिक्विडेशन देखते हैं कि यार लिक्विडिटी लेटेस्ट लिक्विडिटी कहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अगर हम देख लें, मैं इसको जूम भी करता हूँ और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कल नाइट तक ऊपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिचुएशन 50-50 की तरह लग रहा है, यानी 53,000 तक लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी स्वीप हो चुकी है। लेकिन डाउन साइड पे अगर हम देख ले तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 49,750 तक, ठीक है, 49,750 ये वाला रीजन अवेलेबल है, तो इस वीक में हम यहाँ पे एक डंप देख सकते हैं, ठीक है, 49,650 दोबारा भी देख लें। अगर ऊपर जाए मे बी नेक्स्ट वीक तो फिर ये 54 तक भी जा सकते हैं, लेकिन पहले मेरे ख्याल में ये जगह ये स्वीप कर दे तो अच्छा रहेगा, अच्छी अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी,
और फिर इस रीजन को टारगेट करेंगे, ठीक है जी। अगर 12 आवर पे देख ले तो 12 आवर पे भी हम रियल डेटा को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, ये 12 आवर यानी नेक्स्ट 12 आवर में क्या हो सकता है, ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन ये वाली जगह जो सबसे ज़्यादा येलोवेश जगह है ना, ये लिक्विडिटी से भरपूर है, 51,250 तक कम से कम तो आना चाहिए शाम तक, ठीक है। 51,200 या 150 तक मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। यहाँ पे अगर गिरे, जिस तरह प्रीवियसली हमने बताया, यहाँ पे अगर मार्केट ने गिरावट कर दी तो हमें डरना नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे अगर गिर गया 51,300 या 250, यहाँ पे आगे ना ख़रीदारी करेंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, फिर इस तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। स्टॉप लॉस।